टॉपिक इज रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट स्टार्ट किया गया है बाय ब्रिटिशियंस एंड अगेंस्ट कौन थे आर इंडियन विद महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इज डूइंग दिस मोमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशियंस विद नॉन वायलेंस सिस्टम। सो व्हाट डू यू मीन बाय रोलेट एक्ट एंड रोलेट सत्याग्रह एक्ट, हमने इसको कॉल ही क्यों किया है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट, दीज थिंग्स वी विल लर्न हियर। स्टार्टिंग फ्रॉम 1919 में क्या है, गांधी जी हैज स्टार्टेड अ मूवमेंट दैट वी आर कॉलिंग रोलेट एक्ट और रोलेट सत्याग्रह एक्ट। सो सत्याग्रह जो हमने वर्ड यूज किया है, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, बिकॉज दैट मोमेंट एंड सत्याग्रह मोमेंट, दैट मोमेंट्स वर स्टार्टिंग विद ट्रूथनेस एंड नॉन वायलेंस। ओके, सत्याग्रह अकेला जो वर्ड है वो भी क्या शो करता है कि हमारा जितना भी ट्रूथ प्लस आपकी क्या आती है नॉन वायलेंस, दोनों ही चीजें आपकी किसको शो करती हैं, सत्याग्रह। सो रोलेट एक्ट क्या था, इसके अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, सो दैट की ऑल इंडियंस वर अगेंस्ट टू दिस एक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज पास्ड दिस एक्ट इन 1919, सो जस्ट जैसे ही उन्होंने इस एक्ट को क्या था पास किया है, आफ्टर दैट ऑल ब्रिटिशियंस के अगेंस्ट ऑल द पीपल हैज हैड डन। सो रीजन क्या थे, बिकॉज दिस एक्ट इज डिस्ट्रॉइंग एंड रीज आवर फंडामेंटल राइट्स सच एज फ्रीडम ऑफ द एक्सप्रेशन एंड स्ट्रेंथन द पुलिस पावर, क्योंकि जो पुलिस को पावर गिवन की गई है ऑन द बिहाफ ऑफ रोलेट एक्ट, क्या होता है हमारा जो फ्रीडम का फंडामेंटल राइट है वो टोटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा था बाई ब्रिटिशियंस। सो लिसन इट कि वट वॉज द एक्ट, अकॉर्डिंग टू रोलेट एक्ट पुलिस कैन अरेस्ट एनी पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ सस्पेक्शन बट दे विल नॉट टेक देम ऑन ट्रायल टिल 2 years। सो स्टूडेंट्स हमारे, हमने लास्ट चैप्टर में जो रीड किया है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दैट इफ पुलिस इज अरेस्टिंग समवन या अक्यूज्ड पर्सन, दैट इज द पावर हैव पुलिस दैट दे विल टेक अक्यूज्ड पर्सन इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours। सो 24 hours के अंदर ही मैजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज्ड पर्सन को क्या है प्रेजेंट करना पड़ता है। बट जो ब्रिटिशियंस थे अकॉर्डिंग टू रोलेट एक्ट उन्होंने इस लॉ को क्या था टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। दे वर सेइंग दैट कि हम अरेस्ट करेंगे बट वी विल नॉट टेक यू इन फ्रंट ऑफ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 hours। सो उन्होंने कम से कम 2 साल के लिए जिस भी पर्सन को जिसको भी ऑन द सस्पेंशन उनको अरेस्ट किया तो उनको क्या था डायरेक्ट प्रिजन में डाल दिया गया, बट उनको जस्टिस बेस पर मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता था। तो इससे क्या हुआ है, उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को क्या था प्रिजन में डालना स्टार्ट कर दिया, बट जो जस्टिस सिस्टम था दे वर नॉट फॉलोइंग दैट। सो इंडियन वॉर अगेंस्ट टू द ब्रिटिशियंस। अब यहाँ क्या होता है, जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह है सोविंग वी नो दैट कि ट्रूथ प्लस नॉन वायलेंस। सो 6th अप्रैल 1919 गांधी जी ऑब्जर्व दैट टू ऑल द इंडियंस, उन्होंने सबको कहा ऑल द इंडियंस दैट वी विल स्टार्ट अ मूवमेंट अगेंस्ट दिस रोलेट एक्ट, क्योंकि ये रोलेट एक्ट हमारी फ्रीडम को, हमारी पावर को, हमारे जस्टिस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहा है। सो जितने भी लोग इंडियन, ऑल द इंडियन पीपल विल स्टार्ट अ मूवमेंट on 6th April 1919 to opposition of this act। So जैसे ही act के against movement start होता है, लोगों ने क्या किया है हड़ताल करना start किया, प्रेरित करना start किया है। So but ये जो चीजें start की गई थी, जो strikes वगैरह start की गई थी with in peaceful manners, कोई भी violence start नहीं किया, कोई violently step out नहीं किया गया, बट फिर भी क्या था कि ये जो सत्याग्रह सभा स्टार्ट की थी, सत्याग्रह सभा ने कुछ मोमेंट स्टार्ट किए गए थे अकॉर्डिंग टू आवर लास्ट वीडियो ऑल्सो, कि उसके अंदर चंपारण, खेड़ा और आपके अहमदाबाद के लोकल मोमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ऐसे ही जैसे ही सत्याग्रह सभा ऐसे एक मोमेंट स्टार्ट कर दी है अगेंस्ट रोलेट एक्ट, तो वो टोटली आपका किसमें चेंज हो जाता है, रोलेट एक्ट
मोमेंट में ये जो स्ट्राइक्स थी, क्योंकि लोगों को अब ब्रिटिशियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा है, ये लोग हैं ऑल इंडियन पीपल वर अगेंस्ट ब्रिटिशियंस एंड दे आर डूइंग प्रेयर, दे आर डूइंग स्ट्राइक्स बट विद इन पीसफुल मैनर्स. सो यहाँ पर ब्रिटिशियंस का क्या रिस्पॉन्स रहा, ब्रिटिशियंस आर ट्राइंग टू सप्रेस ऑल द पर्सन, उन्होंने उनको मारना स्टार्ट कर दिया फोर्सफुली, उनको क्या था जेल में डालना स्टार्ट कर दिया. सो ये जो ब्रिटल मेजर्स टू सप्रेस था, इससे जितने भी इंडियंस थे वो और भी ज़्यादा क्या हो गए, भड़क गए थे और वो और भी ज़्यादा उन्होंने स्टेप लिए और किसके अगेंस्ट खड़े हुए, ब्रिटिशियंस के. अब आता है कि 6 अप्रैल को क्या था कि मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, बट ऑन 13 अप्रैल ब्रिटिशियंस हैज सीन दैट कि सारे जो लोग हैं वो अगेंस्ट होते जा रहे हैं किसके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के. सो यहाँ पर जनरल डायर का हम रोल देखेंगे कि अमृतसर में 13 अप्रैल ऑन द ओकेजन ऑफ बैसाखी, क्योंकि जो पंजाब है वहाँ पे बैसाखी फेस्टिवल मनाया जाता है 13 अप्रैल को. सो 13 अप्रैल को जो बैसाखी का फेस्टिवल था उसमें लोग कहाँ इकट्ठे हुए, जलियांवाला बाग में. तो उसके अंदर जितने लोग थे तो जनरल डायर ने सोचा कि ये बेटर चांस है कि हम लोगों को अपने अंडर कंट्रोल करें. वो सबको क्या सोचते थे कि हम अगर अभी गोली चला देते हैं या इनको सप्रेस करते हैं इस एरिया में, कुज मल्टी टाइप्स ऑफ द पर्सन वर देयर, सो अगर इन लोगों को हम मारते हैं तो क्या होगा, सिचुएशन अंडर कंट्रोल होगी. सो जनरल डायर ने क्या किया, वहां पे अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर दिया. और ये जो जनरल डायर इन्फ्लिक्टेड ब्रूटल सप्रेशन एंड किल्ड मैनी इनोसेंट्स, सो वो लोग वहां थे उन सबको उन्होंने क्या था, मारना स्टार्ट कर दिया था डायरेक्टली शूट करने के लिए. अपनी जो पुलिस थी उसको भी ऑर्डर गिवन की और जनरल डायर ने खुद उस पब्लिक के ऊपर एक ग्रेट मैसेकर रहा और हमारे जो मोमेंट हैं उनमें भी सबसे क्या था, एक दुखदायक एक घटना आप इवेंट बोलोगे वो ये इंसिडेंट था कि लोगों को इंटरनली अफेक्ट किया, लोगों को क्या है इतना अफेक्ट किया कि लोग और भी ब्रिटिशियंस के अगेंस्ट हो गए और ब्रिटिशियंस के अगेंस्ट ग्रेट मोमेंट्स को उन्होंने क्या किया, एक्ट के रूप में लिया. अब देखो क्या है कि इंडियन वॉर इन द एंड रेज्ड बाय दिस, अब जो इंडिया के लोग थे उनके क्या था कि क्या इन इनोसेंट पर्सन का, वहां पे वुमेन भी थी चिल्ड्रंस भी थे, तो चिल्ड्रन वुमेन और जो इनोसेंट और भी जो ओल्ड एज पर्सन थे यंग थे उन्होंने क्या था, उनका कोई फॉल्ट नहीं था, फिर भी उन लोगों को क्या था मार दिया गया. सो ये क्या किया था, ब्रिटिशियंस ने एक न्यू आइडिया लिया था कि हम इससे जो मोमेंट हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं उनके लिए हम क्या लें, रिएक्शन लेंगे तो लोग क्या करेंगे दबना स्टार्ट कर देंगे. सो इसी सिचुएशन से ये जो कंडीशन हुई एट द टाइम कि लोगों में एनरेज्ड इंक्रीज हुआ उससे, और उससे क्या हुआ, यहाँ हम रविंद्रनाथ टैगोर, जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने भी क्या किया था, रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड क्या है, उनको एक उपाधि मिली हुई थी फॉर ऑनर फ्रॉम द ब्रिटिशियंस, कि ब्रिटिशियंस ने ऑनर के रूप में इनको क्या था, जैसे अभी हमारे अवार्ड मिलते हैं वैसे ही उस टाइम पे नाइटहुड नाम की क्या थी, एक ऑनर के बेस पर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू किसको दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने. सो रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो सिचुएशन थी उस टाइम इंडियन पीपल की उसके बेस पर इस ये जो इनका ऑनर था इसको इन्होंने क्या किया था, वापस दे दिया था किसको, ब्रिटिशियंस को. और ये जो रिटर्निंग थी ये क्या शो कर रही है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल बिकॉज दे आर डूइंग बैड थिंग्स विद आर इंडियंस. सो अचीवमेंट्स, आप कहते हैं ये वाला प्रोसेस किस में आता आपका, कि हमारा रोलेट एक्ट कंटिन्यू रहा, रोलेट एक्ट में क्या था कि लोगों को एक दूसरे के साथ टच भी किया है, बट इसके और भी अचीवमेंट्स क्या रहे. रोलेट एक्ट के अचीवमेंट्स थे कि हिंदू एंड मुस्लिम वर यूनाइटेड विद ईच अदर अगेंस्ट द ब्रिटिशियन रूल. अब हिंदू और मुस्लिम क्या था कि जैसे ही इन्होंने मुस्लिम लीग क्रिएट की है, सेपरेट इलेक्शन स्टार्ट किया था और बंगाल पार्टीशन किया था. फ्रॉम बंगाल पार्टीशन 1905 से उनका मेन मोटो क्या था ब्रिटिशियंस का, कि हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग कर दिया था.
वो डिवीजन में अब क्या हुआ है कि ये जो मोमेंट है, ये जो मैसेकर हुआ, लोगों को क्या किया, अब हिंदू और मुस्लिम ऑल ओवर द कंट्री जितने भी हिंदू और मुस्लिम थे सब क्या हो गए, यूनाइटेड हो गए और किसके अगेंस्ट स्टेप लेने लग गए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के। नेक्स्ट आता है कि महात्मा गांधी के जो ओपिनियन था, जो आइडिया था, इट वॉज वर्किंग आफ्टर दिस रोलेट एक्ट कि इंडिया लैंड ऑफ ऑल। महात्मा गांधी वॉज ऑलवेज सेइंग दैट कि इंडिया नॉट ऑफ द वन पर्सन, इट इज लैंड फॉर ऑल द पर्सन्स। सो इंडिया के जितने भी लोग थे उन्होंने ये गांधी जी का जो ओपिनियन था, ये आइडिया था, इसको फॉलो किया और अपनी जो यूनाइटेड यूनिटी थी वो क्या की, क्रिएट करके रखी आफ्टर दिस मोमेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द रोलेट सत्याग्रह एक्ट और इसकी अचीवमेंट रही कि अब कंट्री के लोग क्या थे, अगेन दे आर यूनाइटेड एंड दे वर ट्राइंग टू लिव विद पीसफुल मैनर्स ऑल्सो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।